नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। हरियाणा की सियासी राजनीति को लेकर सुबह की बड़ी खबर आ रही है सामने। चुनाव संपन्न होने के बाद में लगातार कांग्रेस पार्टी के संपर्क में बताए जा रहे बीजेपी के करीबन 10 से 15 बड़े दिग्गज नेता हो सकते हैं कांग्रेस पार्टी के अंदर शामिल। कल आने वाले चुनावी रिजल्ट हरियाणा के अंदर इस बार कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। एग्जिट पोल के अनुसार भी हरियाणा के अंदर इस बार बीजेपी पार्टी को भारी नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो दूसरी ओर कुमारी शैलजा को लेकर मुख्यमंत्री बनाए जाने की खबरें अब शुरू हो चुकी है हरियाणा के अंदर। जी हाँ दोस्तों, इस बार हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी के ने जो कमबैक किया है वो बीजेपी पार्टी के लिए बड़ा चिंताजनक है। इसी के साथ जम्मू कश्मीर के अंदर भी चुनावी रिजल्ट आने वाला है। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के अंदर भी बीजेपी पार्टी को काफ़ी ज़्यादा मेहनत भी करनी पड़ सकती है। लेकिन हरियाणा की राजनीति जो बड़ी खबर आ रही है सामने, बीजेपी पार्टी के कई नेता हो सकते हैं कांग्रेस पार्टी के अंदर शामिल। जी हां दोस्तों, ये बड़ी अपडेट है हरियाणा की सियासी राजनीति के अंदर, जहां एक तरफ बीजेपी पार्टी अपने नेताओं को मनाने में जुट गई है और कांग्रेस पार्टी के द्वारा बड़ी बैठक भी बुलाई गई है। हरियाणा के अंदर रणजीत सिंह हुड्डा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के द्वारा किए गए चुनावी कैंपेन के बाद में लगातार कांग्रेस पार्टी कमबैक करती हुई नजर आ रही है। आप जुड़े रहेंगे हमारे साथ, चैनल को कर दें सब्सक्राइब और आपके क्षेत्र में कौन जीत रहा है हमें जरूर बताएं।